कौन है? पावर स्टार? हम नहीं जानते। अगर टीम वाली बात आएगी तो मैं सच में पवन जी को ही फिर अपनी टीम लीडर पे चुनूंगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में हम खेसारी जी को जानते हैं, मनोज तिवारी जी को जानते हैं, हीरो जी को जानते हैं, ये लोग हैं स्टार। भोजपुरी इंडस्ट्री में इस वक्त एक अजीब सी लहर चल रही है। इस लहर में स्टार्स के बीच होते विवाद भी है और दूसरे लोगों का स्टार से होता विवाद भी, कलेश भी। लेकिन सबसे जो अहम हमें लगा वो है एक्ट्रेसेस का लगातार बढ़ता चुनाव। दरअसल पिछले कुछ वक्त से ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक्ट्रेसेस अपने अपने पसंदीदा एक्टर को जमकर सपोर्ट कर रही हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बुरी बात या गलत बात है? तो गलत बात तो नहीं है, लेकिन पहले एक्ट्रेसेस दूसरे एक्टर के साथ कंफर्टेबल ना होते हुए इस बात को जाहिर ना कर काम कर लेती थी। मगर अब लगता है कि मौसम बदल चुका है। एक्ट्रेसेस ना सिर्फ अपने फेवरेट को-स्टार को सपोर्ट कर रही हैं, बल्कि उन्हीं के साथ काम करेंगी और उनसे विवाद करने वाले स्टार्स के साथ नहीं, इस तरह की बयानबाजी भी दे रही हैं। मिसाल के तौर पर हम आपको दो ऐसी एक्ट्रेसेस कौन सी है जिन्होंने हाल फिलहाल में ऐसा कहा है उनके बारे में बताना चाहेंगे। स्मृति सिन्हा। एक वक्त पहले गायब हुई स्मृति सिन्हा अब इंडस्ट्री में काफी एक्टिव है। अब इसे इत्तेफाक कहें या प्लानिंग कि स्मृति सिन्हा आते ही लगातार काम करना पसंद कर रही हैं पावर स्टार पवन सिंह के साथ। शुरुआत हुई थी इस बार के होली सॉन्ग से। दो जबरदस्त टाइप के होली सॉन्ग लाने वाले पवन सिंह और स्मृति सिन्हा अपनी जोड़ी से ऑडियंस को ऐसा इंप्रेस कर गए कि ये जोड़ी फिर से रिपीट होती दिखने वाली है फिल्म हर हर गंगे में। इस फिल्म के सेट पर जब स्मृति सिन्हा से इंटरव्यू लिया गया तो एक्ट्रेस ने बड़े ही बेबाकी से कह डाला कि अगर सपोर्ट की बात आएगी तो वो बिना किसी दोराय के पवन सिंह को ही सपोर्ट करेंगी। एक्ट्रेस ने दूसरे एक्टर का नाम सुझाव देना या लेना तो दूर, सीधा पवन सिंह का ही नाम ले डाला। स्मृति ने जिस तरह से ये जवाब दिया उससे उनके जवाब से साफ है कि वो और किसी को सपोर्ट करे या ना करे, मगर पवन सिंह को करने वाली है चाहे कुछ हो जाए। लिस्ट में दूसरा नाम है इंडस्ट्री में हाल ही में कदम रखने वाली एक्ट्रेस सौम्या पोखरेल। नेपाल की खूबसूरती और सादगी खुद में समेटे आई सौम्या को इंडस्ट्री में आए ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन विवादों से उनका नाता आते ही मानो जुड़ सा गया। दरअसल एक्ट्रेस ने खेसारी संग अपना पहला एल्बम करते ये बयान हुल्लम खुल्ला दे डाला कि वो पवन सिंह को जानती तक नहीं और उनके साथ काम नहीं करना चाहेंगी। सौम्या के बयान देते इंडस्ट्री में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद में जहां कुछ लोगों ने सौम्या को सपोर्ट किया, वहीं कुछ लोगों ने उनकी जमकर क्लास भी लगाई। हर मामला जैसे तैसे शांत हुआ। अब सुनिए वो बात जो कि इन उदाहरणों के जरिए हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इन एक्ट्रेसेस ने जिस तरह सीधे शब्दों में एक स्टार के साथ काम करने की और दूसरे के साथ ना करने जैसी बातें कही हैं, क्या वो ग्रुपिज्म को दे रही है बढ़ावा? एक्ट्रेसेस के इस तरह से चॉइस से क्या हो जाएगा दो खेमों में बंटवारा? इस बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ओपिनियन बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।